दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वुमेन्स एशिया कप के मैच नंबर 10 के बारे में, जो कि खेला जाएगा इंडिया वुमेन्स और नेपाल वुमेन्स के बीच में। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं इंडिया से एंड कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं आपके नेपाल से। तो आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आपको हर एक प्लेयर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा एंड उस बेसिस पे आप अपना टीम खुद से क्रिएट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉलिंग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको इस जीएल में ट्राई करके चलना है। एंड इस वीडियो में 3 टर्म प्लेयर्स भी बताऊंगा जिसको यूज करके स्मॉल लीग में एक बेहतरीन रैंक हासिल कर सकते हो। देखिए, जितना भी मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी मैं टर्म प्लेयर्स बताता हूं उसमें से कम 2 प्लेयर तो आपको चलते ही चलते हैं। तो ये टर्म प्लेयर्स एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी वीडियो को भी आपको प्रॉपर देखना है ताकि आप अच्छा खासा नॉलेज इकट्ठा कर सके एंड खुद के बेस पे अपना टीम क्रिएट कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच इंडिया वुमेन और नेपाल वुमेन के बीच में खेला जाएगा, जो कि 23 जुलाई को शाम को 7 बजे डांबुला स्टेडियम में खेला जाएगा। देखिए, जो सारे मैचेस है वो डांबुला स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, तो मैं डांबुला का आपका पिच रिपोर्ट दिखा दूंगा एंड जो कि 4 मैचेस रिसेंट के 4 मैचेस खेले गए उसका मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिल जाता है। देखिए, आफ्टर टॉस बहुत से चेंजेस होते हैं, लाइक प्लेइंग 11 में चेंज हो जाता है एंड पिच नंबर चेंज हो जाता है, तो वो सब कहां आपको अपडेट मिलेगा, वो अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। बाकी और भी मैचेस का मैं जो वीडियो कवर में नहीं कर पाता हूं उसका टेलीग्राम पे टीम शेयर कर देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाकर वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इस वेन्यू पर टोटल 9 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ 3 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं। वहीं अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 150 के नीचे 8 बार स्कोर बनाए और 190 के पार आपको 1 बार स्कोर बनाया, जो कि इंडिया की टीम ने यूएई के खिलाफ बनाए थे। तो थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग टीम बैटिंग कर रही है तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन रह सकता है, क्योंकि वो रन स्कोर कर सकती है एज कम्पेयर टू वीक टीम, क्योंकि उनका बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते। इस वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप वाले अच्छा खासा रन स्कोर करते दिख सकते हैं इस पिच पर। बाकी यहां का एवरेज स्कोर 140 रन है और हाईएस्ट स्कोर का बात किया जाए तो 201 रन 5 विकेट खोकर और लोएस्ट स्कोर का बात किया जाए तो 108 रन 10 विकेट खोकर बनाए। बाकी पेसर और स्पिनर्स में पेसर्स ने 52 विकेट और स्पिनर्स ने यहां पर 23 विकेट पिक कर रखे हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 68% विकेट आपको स्पिनर्स ने और 22% विकेट आपको पेसर्स ने पिक कर रखे हैं। तो अपने टीम में स्पिनर्स को पिक करके चलना है। बाकी वुमेन्स क्रिकेट में आपको जनरली हमेशा तर जो स्पिनर है वही आपको अच्छा करते दिखते हैं। बाकी यहाँ का लास्ट के कुछ मैचेस का स्कोर कार्ड देखते हैं, तो नेपाल वुमेन और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में लास्ट मुकाबला खेला गया था, जिसमें नेपाल की टीम ने 108 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर पाकिस्तान वुमेन्स की टीम ने 110 रन 1 विकेट खोकर 11.5 ओवरों में इस टारगेट को चेस कर लिया था काफी आसानी से। इस मैच में स्पिनर्स ने 3 तो पेसर्स ने 1 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला इंडिया वुमेन्स और यूएई वुमेन्स के बीच में खेला गया था, जिसमें इंडिया वुमेन्स की टीम ने 201 रन 5 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर यूएई की वुमेन्स की टीम ने 123 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 3 तो स्पिनर्स ने 7 विकेट पिक किया था। वहीं से पिछला मुकाबला बांग्लादेश वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने 111 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर श्रीलंका वुमेन्स की टीम ने 114 रन 3 विकेट खोकर 17.1 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था आराम से। वो भी इस मैच में पेसर्स ने 2 तो स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला थाईलैंड और मलेशिया के बीच में खेला गया था, जिसमें थाईलैंड वुमेन्स की टीम ने 133 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर मलेशिया वुमेन्स की टीम ने 111 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 4 तो स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किए थे। देखिए, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर एक मैच में स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिल रहा है, और अगर स्ट्रॉन्ग टीम पहले बैटिंग कर सेकंड बैटिंग कर रही है तो टारगेट काफी आसानी से चेस कर ले रही है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप वाली पहले बैटिंग है तो उसने आराम से जीते मैच। यहाँ पर श्रीलंका की टीम तो रन स्कोर हो सकते हैं, पहले बैटिंग करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैटिंग नहीं। जैसे कि इंडिया अगर बैटिंग पहले करती है तो अच्छा खासा रन स्कोर देखने को मिल सकता है। बाकी स्पिनर्स का जलवा इस पिच पर आपको देखने को मिल ही रहा है।
बाकी इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल एक मुकाबले खेले गए जिसमें वो मुकाबला आपको इंडिया वुमेन्स की टीम ने जीते थे। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 में से 3 मुकाबले आपको इंडिया वुमेन्स की टीम ने और 5 में से 3 मुकाबले आपको नेपाल वुमेन्स की टीम ने जीते हैं। बट यहाँ पर आपके जीतने के चांसेस 95% तक आपको इंडिया वुमेन्स के हैं एंड 5% आपको नेपाल वुमेन्स का है, तो थोड़ा सा फेवरेट बनाकर उतर सकते हो अपनी इंडिया वुमेन्स की टीम का। बाकी प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दयाल हेमलता, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्यूज, रिचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, उसके बाद राधा यादव, तनुजा कनवर, रेणुका सिंह, ये इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है जो कि इस मैच में खेले। तनुजा कनवर खेल सकती है क्योंकि श्रियंका पाटिल चोटिल है इस वजह से, तो ये इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा। बाकी स्टार्टिंग ओवर आपको रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा और डेथ में यही तीनों आपको दिख सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह कंफर्म है, दीप्ति शर्मा भी आ ही सकती है आपको 1 से 2 ओवर लेकर डेथ में, तो ये बात को आप ध्यान रख सकते हो। बाकी जो इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मृति मंदाना 13, 45, 54, 33 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 120 रन 22 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। बाकी इनका फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का एवरेज यहां से चेकआउट कर सकते हो और रन भी चेकआउट कर लेना। बाकी शेफाली वर्मा 37, 40, 27, 18 और 14 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 130 रन 26 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। देखिए ये दोनों आपकी टीम में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए क्योंकि सामने इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, तो इनको आप जीएल में भी सीएनबीसी कर सकते हो। बाकी ये स्मॉल के लिए अच्छी खासी ऑप्शन होगी सीएनबीसी के लिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर आपको दयाल हेमलता 2, 14, 14, 37, 22 ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है और वेन्यू पर 2 मैच में 16 रन 8 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। उसके बाद हरमनप्रीत कौर 66, 5, 35, 30 उसके बाद 39 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 163 रन 81 के एवरेज से और 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। देखिए फर्स्ट इनिंग में आपको ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है एंड ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, इस वजह से अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो थोड़े बहुत ये रिस्की मैच हो जाएगा और अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो आपके लिए आसानी हो जाएगा जीतने इस मैच में। बाकी उसके बाद नंबर 5 पर बात करें तो जेमिमा रोड्रिग्यूज 14, 3, 50, 2, 13 ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है और वेन्यू पर 5 मैच में 89 रन 29 के एवरेज से स्कोर कर रखा है। रिचा घोष लास्ट मैच में काफी ताबड़तोड़ पारी खेली थी इन्होंने 64 DNB 28, 24, 8 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 3 मैच में 75 रन 75 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। दीप्ति शर्मा 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 22 रन 11 के एवरेज से और 8 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। पूजा वस्त्राकर 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 27 रन 13 के एवरेज से और 5 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी राधा यादव 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 7 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। तनुजा कनवर 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी रेणुका सिंह 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 5 मैच में 5 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी आप बेंच पे इनके देखेंगे एस संजना, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना आपको बेंच पे दिख सकती है। अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं किनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है। तो स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा बाय डिफॉल्ट रहेंगी। उसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो दयाल हेमलता और हरमनप्रीत कौर। देखिए इनको तो आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो बट इनको अगर फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चलना क्योंकि सेकंड इनिंग में उतना बैटिंग आने का चांसेस नहीं होगा, तो इनको ड्रॉप करके ही चलना सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में हाँ पिक करके चलना, जमीवा को भी सेकंड फर्स्ट इनिंग में पिक करना और रिचा घोष को भी फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि अगर सामने अच्छा खासा विकेट कीपर हमें अवेलेबल होगा तो रिचा घोष को हम सिर्फ सेकंड फर्स्ट इनिंग में ट्राई करेंगे, सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके जा सकते हैं। दीप्ति शर्मा बाय डिफॉल्ट रहेंगी दोनों इनिंग के लिए, सेम पूजा वस्त्राकर दोनों इनिंग में अच्छी खासी पिक रहेंगी, राधा, तनुजा एंड रेणुका सिंह ये तीनों भी आपको सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में आपके लिए बेटर कर सकती है, तो इस वजह से इन तीनों को भी आप सेकंड इनिंग में मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस कम देना बट फर्स्ट इनिंग में तो बिल्कुल याद करके इनको पिक करके ही चलना है। अब बात कर लेते हैं
कर लेते हैं वो मिले उनकी, जहां पर आपको ना जीएसटी पे करना पड़ता है ना ही टीडीएस पे करना पड़ता है। और यहां पर आपको 20,000 तक का फ्री गिवअवे मिलता है, जिसमें आप बिना किसी एक रुपए इन्वेस्ट किए हुए यहां पर आप 0 रुपए इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। लाइक यहाँ पर 0 रुपए फ्री गिवअवे रहता है ऑलमोस्ट हर एक मैच में, एंड 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट रहता है। एक बार ऐप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर सीरीज लीडरबोर्ड अवेलेबल है, जो कि आज के टाइम पे कोई भी ऐप आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ बूम इलेवन। वो भी इनका प्राइस लीडरबोर्ड का आप चेकआउट कर सकते हो, टॉप 10 में अच्छी खासी कार है, फिर बाइक है, और भी बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं, तो आप चेकआउट कर लेना। लास्ट सीजन का जो लास्ट लीडरबोर्ड था वो भी अनाउंस हो चुका है, जो कि जुलाई एंड में ही खत्म होने वाला था, उसके विनर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो अब से नया इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड आया, इस वजह से आप भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो, और मैं भी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बाकी एंट्री फीस भी बहुत कम है दूसरे ऐप के मुकाबले, तो आपके लिए एक बेटर ऐप साबित हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना, और मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। बाकी बात करते हैं नेपाल वुमेन्स के प्लेइंग 11 की, तो समझाना खड़का, सीता राणा मगर, कविता कुनवर, इंदु वर्मा, रुबीना छेत्री, पूजा महतो, कविता जोशी, बिंदु रावल, काजल श्रेष्ठा, कृतिका मरसिनी, उसके बाद रोमा थापा, ये नेपाल वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा जो कि इस मैच में खेल सकता है। स्टार्टिंग ओवर आपको कविता कुनवर, रुबीना छेत्री और पूजा महतो कराएंगी, वहीं पर डेथ में आपको इंदु वर्मा, कविता कुनवर और कविता जोशी आपको डेथ में गेंदबाजी कराती दिख सकती है। बाकी इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो समझाना खड़का 4-72 DNB 25-21, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला, वेन्यू पर 2 मैच में 76 रन के एवरेज से स्कोर कर रखा है। बाकी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का स्कोर आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद सीता राणा मगर 26 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 0 विकेट, 6 रन प्लस 2 विकेट, 17 रन प्लस 3 विकेट। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 33 रन, 16 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। बाकी इसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो कविता कुनवर 13 रन प्लस 0 विकेट, 2 रन प्लस 0 विकेट, 23 रन प्लस 1 विकेट और 1 रन प्लस 2 विकेट, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 15 रन, 7 के एवरेज से और 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। उसके बाद इंदु वर्मा 0 रन प्लस 0 विकेट, 6 रन प्लस 3 विकेट, 29 रन प्लस 0 विकेट और 22 रन। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 6 रन, 3 के एवरेज से और 3 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं रुबीना छेत्री की, 8 रन प्लस 0 विकेट, 10 रन प्लस 0 विकेट, 20 रन प्लस 1 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर इन्होंने 2 मैच में 18 रन, 9 के एवरेज से स्कोर कर रखा और विकेट लेस रहे थे उस मैच में। उसके बाद पूजा महतो 25 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन फिर 0 विकेट, फिर 59 रन प्लस 3 विकेट है और हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है और वेन्यू पर 2 मैच में 32 रन, 32 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। बाकी कविता जोशी 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और DNV, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। उसके बाद बिंदु रावल 0 रन, फिर DNV और 17 रन। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और बाकी वेन्यू पर 2 मैच में 0 रन, 0 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। उसके बाद काजल श्रेष्ठा जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखाई देंगी, इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक मैच में इनको बैटिंग नहीं आई है, तो इनको अब जीएल में भी ड्रॉप करके चलना। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में बैटिंग भी एक बार भी नहीं है इनका। कृतिका मरसैनी 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। उसके बाद रोमा थापा, ये भी बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका है, इस वजह से इनको जीएल में भी ड्रॉप करके चलना, इतने अच्छे ऑप्शन है नहीं है। बाकी इनके बेंच में आपको दिखेंगे राजमती एरे, एम चौधरी, सबनम राय और डॉली भट्टा, अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखो स्मॉल लीग में किन को ट्राई करके चलना है, समझाना खड़का, भले इन्होंने लास्ट सेकंड मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है बट सामने इंडिया टीम होगी, इस वजह से इतना उनको आपको प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा नहीं। जिनको जीएल में ट्राई करके चलना, सीता राणा मगर स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी चॉइस होंगी, बाकी कविता कुनवर और इंदु वर्मा में से कोई एक ट्राई करना, अगर ज्यादा ट्राई करना होगा तो इंदु वर्मा बेस्ट ऑप्शन होंगी आपके पास। उसके बाद रुबीना छेत्री स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी ऑप्शन आएंगी, पूजा महतो भी स्मॉल लीग के लिए अच्छे ऑप्शन आएंगे, क्यों, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान कर रही है, इस वजह से अच्छी खासी ऑप्शन रह सकती है। बाकी कविता जोशी को आप जीएल में ट्राई करके चलना, बिंदु रावल को तो डेफिनेटली जीएल में ही, काजल श्रेष्ठा जीएल में, कृतिका मरसैनी को आप इनको भी जीएल में ट्राई करके चलना, उतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। जो ऊपर के 4 है यही अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, बाकी सबको आप जीएल में ट्राई करके चलना। बाकी देखो
की प्लेयर्स की बात करें तो स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, तनुजा कनवर, हरमनप्रीत कौर, इंदु वर्मा, कविता कुनवर और शैफाली वर्मा, ये सात प्लेयर आपका टीम में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। सातों के सातों अच्छी ऑप्शन है इस वजह से। और नेपाल की तरफ से इंदु वर्मा और कविता कुनवर को ट्राई कर सकते हो। और तीसरे ऑप्शन में रुबीना छेत्री ऑप्शन हो जाएंगी। बाकी सीएनबीसी अब इंडियन प्लेयर्स को ही करके जाना, क्योंकि जो नेपाल वुमेन्स की टीम है उतना स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, तो उतना मौका नहीं मिलेगा पॉइंट स्कोर करने का। तो इंडिया टीम अच्छी ऑप्शन है सीएनबीसी के लिए। बाकी ट्रम्प प्लेयर्स, ये बात आप ध्यान रखना कि जो मैं ट्रम्प प्लेयर्स बताता हूँ मैक्सिमम टाइम वर्क करते हैं। सबसे पहला राधा यादव, फिर सीता राणा मगर और जमीमा रोड्रिगोज। जमीमा रोड्रिगोज को सिर्फ फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना, बाकी इन दोनों को किसी भी इनिंग में ट्राई कर सकते हो। आपके लिए अच्छा खासा ट्रम्प प्लेयर काम कर सकती है। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर सकते हो। वहां पर जो मैचेस का वीडियो मैं यहां पर अपलोड नहीं करता उसका लिंक मैं अपने वीडियो में अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करता हूं। तो जो भी वीडियो देख के टीम बनाता है उनके लिए ऑलमोस्ट हर एक मैच का वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करना तो वीडियो देखना भी, तभी आप फायदा होगा। बाकी चले अब टीम डिस्कस करते हैं। तो हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष और बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और शैफाली वर्मा को ट्राई किया है। बाकी मैंने सिचुएशन बता दिया है कब किन को ट्राई करके चलना। ऋचा घोष अब अच्छी ऑप्शन है क्योंकि सामने कोई अच्छी विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारे पास है नहीं इस वजह से। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ट्राई किया है दीप्ति शर्मा, इंदु वर्मा, पूजा वस्त्राकर और रुबीना छेत्री। हमारे पास एक और ऑप्शन है कविता कुनवर, जो कि मैंने की प्लेयर्स में दिया है। मैंने रुबीना छेत्री को एज ए ट्रम्प ट्राई करके जा रहा हूँ। बाकी इंडिया बॉलर तो डेफिनेटली इनको मैं पिक करके जाऊंगा ही जाऊंगा। कैप्टनसी मैंने दे रखा है दीप्ति शर्मा को, वाइस कैप्टनसी स्मृति मंदाना को। आप चाहो तो बॉलिंग में ही किसी को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। तो ये हमारी अभी के लिए डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ तक अपने वीडियो देखा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।